आज हम लोग सीखने वाले हैं बेस्ट ट्रिक। जी हाँ, बेस्ट ट्रिक फॉर ट्रिप्लेट्स, यानी किसी भी नंबर के रिस्पेक्ट में, कोई भी इवन नंबर या फिर ऑड नंबर के रिस्पेक्ट में ट्रिपलेट्स कैसे फाइंड करते हैं, इसका बेस्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। नो फॉर्मूला, नो टेंशन, बस क्वेश्चन को देखना है और पूरे क्लास में सबसे पहले ट्रिपलेट्स आप बताएंगे, इसकी गारंटी हम लेते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कोई भी ऑड नंबर के रिस्पेक्ट में ट्रिपलेट्स कैसे बनाते हैं, पाइथागोरस ट्रिक कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। इसके लिए हम क्या किए, देखिए कुछ हमने एग्जाम्पल के लिए ऑड नंबर लिए, यानी कि विषम संख्या लिखिए 3, 5, 7, 9, और देखिए कि इसके रिस्पेक्ट में कैसे हम ट्रिपलेट बनाते हैं। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले क्या करना कि जिस नंबर के रिस्पेक्ट में आपको ट्रिपलेट बनाना है उसका स्क्वायर करना है। क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो चलिए 3 का हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9। अब जो स्क्वायर आएगा उसमें 2 से भाग कर देना, उसका हाफ कर देना है, स्क्वायर का हाफ करना है, कंफ्यूज मत होना। इसका हाफ करेंगे कितना आएगा, 4.5 आएगा, यानी 9 का आधा कितना होगा, 4.5। अब क्या करना है, ध्यान से देखना, यही बात आपको समझना है कि जो भी हाफ आएगा, 4.5 आया ना, तो इसमें से 0.5 माइनस कर देना है, यानी 4.5 में से 0.5 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब अगला क्या होगा कि 4.5 में 0.5 प्लस कर देना है, ध्यान से सुनना, जो भी हाफ आएगा उसमें से 0.5 एक बार माइनस करना है और उसी में 0.5 एक बार प्लस करना है। तो यहां पे 4.5 में 0.5 माइनस प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसी के साथ जो है यही वो दो नंबर है 3 और 4, कुल मिलाकर के आपका ट्रिपलेट जो बनेगा वो बनेगा 3, 4 और 5, ठीक है ना। तो 3 के रिस्पेक्ट में 4 और 5 आएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में है। चलिए एक और क्वेश्चन एग्जांपल लेते हैं, फिर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। सेकंड में देखिए क्या बोले थे, सबसे पहले कि जिस नंबर के रिस्पेक्ट में बनाना है उसका कर देना है स्क्वायर। क्या कर देना है, स्क्वायर। हमने स्क्वायर कर दिए, अब इसका 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। इसका हाफ कर देना है, ठीक है ना, इसका हाफ कितना होगा, 12.5। क्लियर है। क्या करना है, इसमें से 0.5 माइनस कर देंगे तो 12 हो जाएगा, और इसमें फिर 0.5 प्लस कर देंगे तो 13 हो जाएगा, है ना। तो 5 के रिस्पेक्ट में ट्रिपलेट बनाने वाला नंबर कौन कौन हो गया, 12 और 13 हो गया। कुल मिलाकर के इस वाले का ट्रिपलेट हो जाएगा आपका, ये आपका 5, 12 और 13, ये आपका ट्रिपलेट है। क्या है, ट्रिपलेट है, ठीक है ना, पाइथागोरस ट्रिक है। 3 के रिस्पेक्ट में 4 और 5 से बनेगा और 5 के रिस्पेक्ट में 12 और 13 बनेगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, 7 को छोड़ देते हैं, 7 को आप करके कमेंट करके बताइए, 7 को यही तरीके से सोल्व करके और आप कमेंट करके बताइए कि ये 7 नंबर के रिस्पेक्ट में कौन कौन से नंबर मिलकर के ट्रिपलेट बनाएगा, ठीक है। चलिए अब एक और आखिरी बार कहते हैं, जो भी कंफ्यूजन है वो डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए 9 का बनाना, तो जिस भी नंबर के रिस्पेक्ट में बनाना उसका कर देना है स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81, ठीक है। अब इसका क्या कर देना है, हाफ, तो हमने हाफ कर दिए, इसका हाफ कितना आएगा, 40.5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें से 0.5 माइनस कर दीजिए तो यहाँ 40, इसमें 0.5 प्लस कर देंगे तो क्या हो गया, 41। तो 9 के रिस्पेक्ट में क्या क्या बनेगा, ये 40 और 41 मिलकर बनाएगा, यानी कि 9, 40 और 1, 41, ठीक है ना। क्लियर है, एकदम डाउट क्लियर है। अब तो हम इवन नंबर के साथ सीख गए, अब सीखेंगे, सॉरी ऑड नंबर के साथ समझ गए, अब इवन का कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है ना। तो इवन का देखिए, इवन में क्या करना है, इसमें थोड़ा सा आपको चेंज करना है। जिस भी इवन नंबर के रिस्पेक्ट में आपको ट्रिपलेट फाइंड करना है उसका हाफ कर लेंगे, पहले नंबर का ही हाफ करेंगे। इसमें स्क्वायर करके हाफ करते थे ऑड वाला में, कंफ्यूज मत होना, और इसमें उस नंबर का हाफ कर देंगे। तो भाई 4/2 का हाफ और उसका कर देना है स्क्वायर, तो 4/2 का हाफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया,
टू का स्क्वायर क्या हो गया फोर। अब क्या करना है कि ये जो इसका हाफ आया ना, इसमें एक प्लस कर देना है और एक माइनस कर देना है, जो भी नंबर, एक बार फिर से समझना भाई, मुझे पता है आप कंफ्यूज हो रहे हैं, जिस नंबर के रिस्पेक्ट में निकालना है उसका हाफ का स्क्वायर कर दो। तो चार का हाफ दो हुआ, दो का स्क्वायर कर देना हाफ का, कितना आ गया चार। इसमें से क्या करना है कि एक माइनस कर देना है तो कितना आ जाएगा थ्री, और एक प्लस कर देना है तो कितना हो जाएगा फाइव। तो फोर के रिस्पेक्ट में जो ट्रिपलेट बनेगा वह नंबर कौन कौन होगा, तो यहां पे हो जाएगा थ्री एंड फाइव, और कुल मिलाकर के ये जो हो गया ना फोर थ्री और फाइव, ये आपका ट्रिपलेट बना दिया। समझ में आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। क्या करेंगे, इस नंबर जो भी है ना, ये छ है, इसका हाफ कर दीजिए भाई और इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो सिक्स में टू से डिवाइड करेंगे तो थ्री, थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा नाइन हो गया। अब क्या करना है कि नाइन में से एक माइनस कर देना है, कितना हो गया एट, फिर नाइन में एक प्लस कर देना है, क्या हो गया टेन, है ना। तो ये आपका हो गया एट एंड टेन, और कुल मिलाकर के ये ट्रिपलेट बनाएगा आपका सिक्स एट और टेन। क्लियर है, बहुत आसान है। चलिए एक आखिरी एग्जाम्पल करते हैं एट, ठीक है ना। चलिए यहां पे लिख देता हूं एट बाय टू, जिस भी नंबर का ट्रिपलेट फाइंड करना है, इवन नंबर का ध्यान देना, उसका हाफ करो और फिर स्क्वायर करो। तो एट का हाफ कितना होगा फोर, फोर का स्क्वायर हो जाएगा सिक्सटीन, इसमें से वन माइनस कर देना है तो फिफ्टीन, और एक प्लस कर देना है तो सेवनटीन। तो कुल मिलाकर के एट के साथ जो ट्रिपलेट्स बनाने वाला नंबर है वो होगा फिफ्टीन एंड सेवनटीन, और कुल मिलाकर के एट फिफ्टीन और सेवनटीन, ये आपका क्या हो गया बच्चों, ट्रिपलेट हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से कोई भी इवन नंबर और ऑड नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर का ट्रिपलेट्स इस ट्रिक की मदद से आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में इसका दूसरा वीडियो लेकर आएंगे, उसमें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, आपके बुक में जो फॉर्मूला दिया हुआ है उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बताएंगे। तब तक इतना ही, जुड़े रहिए, देखते रहिए मैथ्स स्टॉक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।